कुछ ऐसी वीडियो क्वालिटी आपको मिल रही है और देखिए कितना अच्छा बैकग्राउंड ब्लर आपको मिल रहा है। इन फ्लावर्स को मैंने फोकस में लिया है और पीछे का बैकग्राउंड भी पूरी तरीके से ब्लर हो चुका है। मैं आता हूँ वापस से फ्रेम के सामने और इसने मेरे चेहरे को बहुत ही आराम से फोकस में ले लिया है। आज की वीडियो में हम एक बहुत ही स्पेशल कैमरा का रिव्यू करने जा रहे हैं, तो आप देख सकते हैं मेरे हाथों में Nikon Z50 मिररलेस कैमरा। ये Nikon की तरफ से पहला APS-C मिररलेस कैमरा था और अगर हम इसकी इमेज क्वालिटी और वीडियो क्वालिटी और फीचर्स की बात करें तो बहुत ही बेहतरीन इसकी वीडियो क्वालिटी भी है और इमेज क्वालिटी भी है। तो इस वीडियो को पूरे एंड तक देखना, इसकी सारी फीचर्स के बारे में हम डिस्कशन करेंगे, इससे कैसे फोटोज़ आप क्लिक कर सकते हैं, उन फोटोज़ को हम देखेंगे, इसकी इमेज क्वालिटी का टेस्ट करेंगे, कैसी इसकी वीडियो क्वालिटी है, कैसा इसका ऑटो फोकस है और किस प्राइस में ये कैमरा आपको मिल जाएगा आज की तारीख में। ये सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना। तो ये एक APS-C मिररलेस कैमरा है, यानी कि इसके अंदर आपको फुल फ्रेम का सेंसर नहीं मिलता, आपको मिलता है क्रॉप सेंसर। 1.5 टाइम्स का आपको क्रॉप फैक्टर मिल जाएगा। ये कैमरा लॉन्च हुआ था 2019 में, तो लगभग 5 साल पुराना ये हो चुका है। इसके अंदर आपको मिल जाता है 21 मेगापिक्सल का BSI CMOS सेंसर। ध्यान करना गाइस, इसमें मिलता है आपको BSI यानी कि बैक साइड इल्यूमिनेटेड सेंसर। तो BSI सेंसर की जो लो लाइट परफॉर्मेंस है वो काफ़ी बेहतर रहती है एक नॉन BSI सेंसर के मुकाबले, तो इसलिए इस कैमरा की लो लाइट परफॉर्मेंस वाकई में बहुत अच्छी है। ISO रेंज इसकी नेटिवली 100 से लेके 51,200 तक जाती है, जिसको कि आप एक्सपैंड करके 2,04,800 तक ले जा सकते हो। तो वाकई में वीडियो में भी और फोटोग्राफी में भी बहुत ही बेहतरीन है इसकी लो लाइट परफॉर्मेंस। आप कम रोशनी में शाम के वक्त घर के अंदर आपकी इतनी लाइटिंग नहीं है, इसको इस्तेमाल करोगे तो आपको बहुत ही क्लीन वीडियो और बहुत ही क्लीन फोटोज मिलेंगे। इसके सेंसर के सामने आपको कोई भी एंटी एलियसिंग फिल्टर नहीं मिलता, तो इस वजह से आपको शार्पनेस बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलेगी फोटोज में भी और वीडियो में भी। अगर मैं इसको कंपेयर करूँ Nikon Z6 जो कि एक फुल फ्रेम मिररलेस कैमरा है, हालांकि वो इससे महंगा है, उसका सेंसर भी बड़ा है और उसमें फीचर्स भी ज़्यादा हैं, लेकिन अगर हम शार्पनेस की बात करें वीडियो और फोटो दोनों की, तो शार्पनेस आपको Z50 और ZFC में ज़्यादा देखने को मिलेगी। जैसे कि मैंने आपको बताया ये कैमरा एक मिररलेस कैमरा है और इसके अंदर आपको मिल जाता है इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर जो कि है 2.36 मिलियन डॉट्स का। काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है इसका वेव फाइंडर, जब आप इसको आंखों पे लगा के फोटोज़ वगैरह क्लिक करते हो तो आपको काफ़ी क्लियर सब्जेक्ट दिखाई देता है, और क्योंकि इसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक वेव फाइंडर मिल जाता है, मेरे हिसाब से फोटोग्राफी के लिए इलेक्ट्रॉनिक वेव फाइंडर होना एक मस्ट है। अगर आपके कैमरे के अंदर EVF इलेक्ट्रॉनिक वेव फाइंडर नहीं है तो वो कैमरा वीडियोग्राफी के लिए तो बढ़िया रहेगा लेकिन फोटोग्राफी के लिए वो इतना अच्छा नहीं रहेगा। कैमरे के वजन की बात करें तो इसका वजन है 397 ग्राम्स, तो काफ़ी लाइट वेट है और इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो बहुत ही अच्छी है। ये कैमरा वेदर सील्ड है, इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है एकदम प्रोफेशनल है, तो आप इसको खराब वेदर में भी यूज़ कर सकते हो। उसके अलावा आपको इसमें देखो फ्रंट में भी ये डायल मिल जाता है जिससे कि आप अपने एपर्चर को एडजस्ट कर सकते हो, और पीछे में भी आपको एक डायल मिल जाता है जिससे कि आप अपनी शटर स्पीड को एडजस्ट कर सकते हो। टॉप में भी आपको जो रेलेवेंट बटन्स वगैरह हैं वो सारे मिल जाते हैं। उसके अलावा आपको सामने की तरफ दो फंक्शन बटन भी मिल जाते हैं, FN1 एंड FN2। कॉन्टीन्यूस बर्स मोड में ये आपके 11 फ्रेम पर सेकंड में शूटिंग कर सकते हैं, जो कि मेरे हिसाब से इस प्राइस पॉइंट के कैमरा के लिए बहुत ही अच्छा है। तो आप इससे थोड़ी बहुत एनिमल फोटोग्राफी कर सकते हो। स्पोर्ट फोटोग्राफी के लिए मैं इसको इसलिए रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि स्पोर्ट्स फोटोग्राफी के लिए जो आपका EVF है मोर और लेस लैग फ्री होना चाहिए, जो कि इसका नहीं है। उसके लिए आपको थोड़े से और महंगे कैमरे जैसे कि Nikon Z8, Z9 की तरफ जाना पड़ेगा, लेकिन जो छोटा मोटा स्पोर्ट्स इवेंट है, हल्की फुल्की वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी है, डेफिनेटली आप इससे कर सकते हो। इस कैमरे के अंदर आपको बिल्ट इन फ्लैश भी मिल जाता है, ये एक एडवांटेज आपको मिलेगा अगर आप इसको कंपेयर करेंगे Nikon ZFC और Z30 से, तो कई बार ये यूजफुल हो सकता है अगर आप इसको बिल्कुल ही लो लाइट में यूज कर रहे हो। कैमरे की बैटरी लाइफ की बात कर लें तो बैटरी थोड़ी सी स्मॉल है, बहुत ही इतनी पावरफुल नहीं है, लेकिन अगर आप इसको फुल चार्ज कर लें तो लगभग आपको
300 से 350 फोटोज ये दे देगी। अगर हम वीडियो की बात कर लें तो आपको 1 से 1.5 घंटे की वीडियो रिकॉर्डिंग ये आराम से करके दे देगी। हालांकि अगर आपको लंबी वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह करनी है तो आप स्पेयर बैटरी रखो, आपके पास 2 बैटरी होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं इस कैमरा की वीडियो कैपेबिलिटीज के बारे में। तो ये कैमरा 4K में वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकता है अप टू 30 फ्रेम पर सेकंड, और 4K में कोई भी क्रॉप फैक्टर नहीं है, यानी कि आप पूरे के पूरे सेंसर को यूज कर पाओगे। उसके अलावा 4K में आपका ऑटो फोकस भी परफेक्टली काम करेगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी आपके चेहरे को, हर चीज़ों को, आई ट्रैकिंग वगैरह सब कुछ एकदम परफेक्टली काम करेगा। उसके अलावा आप इसमें अलग से माइक भी कनेक्ट कर सकते हो। कुल मिला के जो फीचर्स एक वीडियो सेंट्रिक कैमरा में होनी चाहिए वो सारी की सारी आपको इसमें मिल जाती है। सिर्फ 2 ही मेजर ड्रॉबैक हैं। पहला ड्रॉबैक, आपको एक रिकॉर्ड लिमिट मिल जाती है, आप एक वक्त पे सिर्फ 30 मिनट की वीडियो ही रिकॉर्ड कर सकते हो, तो 30 मिनट के बाद आपको वीडियो रिकॉर्डिंग को फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा। और दूसरा ड्रॉबैक ये है, जो इस कैमरा की जो स्क्रीन है ये थोड़ी सी टिल्टिंग टाइप की स्क्रीन है, तो आप इसको इस तरीके से ऐसे टिल्ट कर सकते हो, इसको आप नीचे की तरफ ऐसे टिल्ट कर सकते हो, या फिर आप इसको पूरी तरीके से ऐसे नीचे टिल्ट कर सकते हो। तो अगर आप इसको हैंड हेल्ड इस तरीके से व्लॉगिंग कर रहे हो तब तो ये ठीक है, लेकिन अगर आपने कैमरे को ऐसे ट्राइपॉड के ऊपर लगा दिया तो ये आपकी स्क्रीन ब्लॉक हो जाएगी, आप खुद को नहीं देख पाओगे। तो उसका एक सॉल्यूशन ये है कि आप इसमें एल ब्रैकेट को यूज़ कर सकते हो, इस तरीके से एल ब्रैकेट ऐसे लग जाता है, फिर आपका जो ट्राइपॉड का स्टैंड है वो साइड में आ जाएगा, आप स्क्रीन को देख पाओगे। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप स्नैपब्रीथ वाली ऐप को यूज़ कर लो तो आपके मोबाइल की स्क्रीन पर आपको दिख जाएगा जो भी कैमरे को दिख रहा है। तीसरा ऑप्शन है सेल्फी व्लॉगिंग मिरर, जिसको कि मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ। उसमें कोई भी आपको वायरलेस सेटिंग वगैरह कुछ नहीं करनी, कैमरे के हॉट शू के ऊपर वो लग जाएगा, वो बेसिकली एक मिरर है, तो आपकी जो स्क्रीन को दिखाई दे रहा है वो एग्जैक्टली उसमें रिफ्लेक्ट होकर आपको देख जाएगा। तो ये 3 सॉल्यूशन है, इन तीनों में से आप कोई सा भी सॉल्यूशन यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर आपको इनमें से कोई भी सॉल्यूशन यूज़ नहीं करना तो तब मैं रिकमेंड करूँगा, तब शायद आपके लिए Nikon ZFC एक बेटर कैमरा रहेगा, क्योंकि उसमें आपको फुली फ्लिप आउट स्क्रीन मिल जाती है जो कि साइड में फ्लिप हो जाती है, जो कि मेरे हिसाब से व्लॉगिंग और वीडियो मेकिंग के लिए थोड़ी सी बेटर रहती है कंपेयर टू जो इस टाइप की जो टिल्ट स्क्रीन होती है। तो वीडियो में यही 2 मेजर ड्रॉबैक थे, लेकिन उसके अलावा बाकी चीजें एकदम परफेक्टली काम करती है। वीडियो क्वालिटी, इमेज क्वालिटी एक्सीलेंट है कैमरा की। तो गाइस, कुछ ऐसा ऑटो फोकस आपको मिल जाएगा इस कैमरा से। अभी देख सकते हैं मेरा फेस पूरी तरीके से फोकस में है। अब मैं धीरे धीरे पीछे जाऊंगा और मेरा फेस अभी भी फोकस में। अब मैं कैमरे की तरफ आता हूं और इसने मेरे चेहरे को अभी भी फोकस में लिया हुआ है। अब मैं फ्रेम से बाहर जाऊंगा और फिर वापस से फ्रेम के अंदर आऊंगा। तब मैं आता हूं वापस से फ्रेम के सामने और इसने मेरे चेहरे को बहुत ही आराम से फोकस में ले लिया है। तो कुल मिला के अगर हम फेस ट्रैकिंग की बात करें तो बहुत ही ईजिली आपके चेहरे को ट्रैक कर लेता है, काफ़ी अच्छा इसका ऑटो फोकस काम करता है। देखिए कितने अच्छे डिटेल्स आपको नज़र आ रहे हैं। ये जो सामने लकड़ी है इसके अंदर देखो जितने भी गैप्स हैं हर एक डिटेल आपको अच्छे से नज़र आ रहा है, और बैकग्राउंड भी देखिए पूरी तरीके से ब्लर हो चुका है। अगर मैं बैकग्राउंड के ऊपर अब फोकस करता हूँ तो इसने काफ़ी स्मूथली बैकग्राउंड को फोकस में ले लिया। मैं वापस से यहाँ पे फोकस करता हूँ, डिटेल्स देखिए आप वीडियो के अंदर बहुत ही अच्छे आपको देखने को मिलते हैं। तो इस किट लेंस की शार्पनेस एक्चुअल में काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और वन ऑफ द बेस्ट ये किट लेंस है। अगर हम इसको कंपेयर करें Nikon, Canon, Sony, तो इन तीनों में बेस्ट किट लेंस जो आपको मिलता है APS-C कैमरा में वो है Nikon का। तो अभी आप देख सकते हैं इन फ्लावर्स को मैंने फोकस में लिया है और पीछे का बैकग्राउंड भी पूरी तरीके से ब्लर हो चुका है, और ये जो फ्लावर्स हैं ये देखो कितने शार्प आपको देखने को मिल रहे हैं। तो गाइस देख सकते हैं कुछ ऐसी वीडियो क्वालिटी आपको मिल रही है, और देखिए कितना अच्छा बैकग्राउंड ब्लर आपको मिल रहा है। तो आपको अपने सब्जेक्ट के बहुत ज़्यादा करीब जाना है, जितना करीब जाओगे उतना ज़्यादा बैकग्राउंड ब्लर मिलेगा। तो जैसे जैसे मैं बात कर रहा था मैंने इससे लिए सैम्पल फोटोज़ को भी स्क्रीन पर डाल दिया है, तो आपको देख के आइडिया लग गया होगा कि कितनी बेहतरीन इस कैमरा की फ़ोटो क्वालिटी है। जो फोटोज़ मैंने मोस्टली लिए हैं वो किट लेंस के साथ लिए हैं, कुछ फोटोज़ को मैंने लिया है जो 50-250 वाला किट लेंस है, और कुछ को मैंने लिया है 16-50 वाले किट लेंस के साथ, और कुछ फोटोज़ को मैंने लिया है 40mm f2 वाले लेंसेज के साथ। तो तीनों के तीनों जो लेंसेज है
तीनों की इमेज क्वालिटी अच्छी है। इनफैक्ट जो इसके साथ में आपको किट लेंस मिलता है 16-50 वाला, हालांकि वो एक बहुत ही चीप किट लेंस है, लेकिन जो उससे आपको रिजल्ट्स मिलते हैं बहुत ही शार्प है, बहुत ही शार्प फोटोज आते हैं, कलर्स उसमें बहुत अच्छे मिलते हैं, और जो इमेज क्वालिटी वो एकदम ऐसा लगता है कि आपने बहुत ही महंगे लेंस से ली है, बहुत ही प्रोफेशनल आपको रिजल्ट्स उससे मिल जाते हैं। और जो 50-250 वाला किट लेंस इसके साथ में मिलता है वो तो मेरा फेवरेट है, उससे आपको बैकग्राउंड ब्लर बहुत अच्छा मिल जाएगा। अगर आपको मॉडलिंग वाले पोर्ट्रेट फोटोज लेने हैं उसके लिए एक्सीलेंट है, दूर की चीज़ों को आपको कैप्चर करना है, कैंडिड फोटोग्राफी करनी है, उसके लिए वो बहुत ही बेहतरीन है। और उसके अलावा जो 40mm f/2 लेंस है वो भी मेरा फेवरेट लेंस है, उसमें आपको बहुत ही अच्छी लो लाइट परफॉर्मेंस मिल जाती है क्योंकि वो f/2 तक जा रहा होता है। तो ये तीनों लेंस तो मैं डेफिनेटली रिकमेंड कर सकता हूँ अगर आपके पास नाइकोन का कोई भी APS-C मिररलेस कैमरा है, जैसे कि Z50, Z30 या फिर नाइकोन ZFC, तो तीनों में वो परफेक्टली काम करेंगे और तीनों की इमेज क्वालिटी एक्सीलेंट है। तीनों के रिव्यूज भी आप मेरे चैनल पे चेकआउट कर सकते हैं। उसके अलावा इस कैमरा की डायनेमिक रेंज बहुत अच्छी है, मोर देन 14 EV की आपको इसमें स्टॉप्स मिल जाती है डायनेमिक रेंज के लिए। तो इसलिए अगर आपको लैंडस्केप फोटोग्राफी के लिए इस कैमरे को यूज करना है तो ये बहुत ही बेहतरीन कैमरा आपके लिए रहेगा। उसके अलावा आपको इसमें फोकस ब्रैकेटिंग, एक्सपोजर ब्रैकेटिंग ये सब मिल जाता है, टाइम लैप्स वीडियो का ऑप्शन भी मिल जाता है। तो अब बात कर लेते हैं कुछ नेगेटिव्स जो इस कैमरा में मुझे लगे। पहला नेगेटिव जो इस कैमरा का मुझे लगा वो ये है कि जो इसकी कार्ड स्लॉट है वो ये जो नीचे बैटरी डोर है उसके अंदर जाती है। तो कई बार जब आपका कैमरा ट्राइपॉड पे लगा हुआ है तो आपको इसको कैमरे को उतारना पड़ेगा अपने मेमोरी कार्ड को एक्सेस करने के लिए। दूसरा नेगेटिव जो मुझे लगा, जो इस कैमरे के अंदर आपको कनेक्टिविटी का पोर्ट मिलता है वो आपका पुराने वाला माइक्रो USB पोर्ट है। तो अगर आपको कैमरे को चार्ज करना है किसी पुराने चार्जर के साथ तो वो चार्ज तो हो जाएगा, लेकिन जब मान लीजिए कि आपकी वीडियो रिकॉर्डिंग ऑलरेडी चालू है तो उस दौरान ये कैमरा चार्ज नहीं होगा। अगर मैं इसको कंपेयर करूँ नाइकोन ZFC से, ZFC को आप कंटिन्यूस पावर दे सकते हो क्योंकि उसके अंदर आपको USB-C वाला पोर्ट मिल जाता है। तो इस वजह से ये इतना अच्छा नहीं है अगर आपको बहुत ही लंबी वीडियोज़ वगैरह बनानी है, ZFC आपके लिए बेटर चॉइस रहेगा। अगर आपको लंबी स्ट्रीमिंग करनी है 1 घंटे की 2 घंटे की कंटिन्यूसली आप उसको पावर दे सकते हो। तीसरा ड्रॉबैक ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, वो है इसकी स्क्रीन। अगर इसमें आपको फुली फ्लिप आउट स्क्रीन मिल जाती तो ऑब्वियसली बेटर रहता। चौथा ड्रॉबैक, आपको सिर्फ सिंगल कार्ड स्लॉट ही मिलता है इस कैमरे में। तो अगर आप एक वेडिंग फोटोग्राफर वगैरह हैं तो शायद ये कैमरा आपके लिए नहीं है। मैं आपसे रिकमेंड करूंगा आप डुअल कार्ड स्लॉट वाला कैमरा खरीदो अगर आप वेडिंग फोटोग्राफर हो तो। अब बात कर लेते हैं किस प्राइस में ये कैमरा आपको मिल जाएगा। तो अभी जो इसका लगभग प्राइस चल रहा है वो है अराउंड 70,000 Indian rupees। हो सकता है आपको 1-2 हज़ार का डिस्काउंट भी मिल जाए, तो ये आपको मिल जाएगा लगभग 70,000 में इसके 1650 वाले किट लेंस के साथ, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा प्राइस है। अगर हम इसके कॉम्पिटिशन की बात कर लें तो इसका मेन कॉम्पिटिशन है कैनन R50 और सोनी A6100 कैमरा से। वो दोनों कैमरा काफ़ी अच्छे हैं। आपके R50 में आपको फ्लिप आउट स्क्रीन वगैरह मिल जाती है, तो अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हैं आपको वीडियोस वगैरह बनानी है YouTube के लिए तो मेरे हिसाब से R50 आपके लिए बेटर चॉइस रहेगा। उसमें भी आप 4K 30 फ्रेम पर सेकंड में शूटिंग कर सकते हो, फोटो क्वालिटी भी उसकी काफ़ी अच्छी है। हालांकि जो उसके साथ में आपको किट लेंस मिलता है वो इतना अच्छा नहीं है, नाइकोन का किट लेंस मुझे पर्सनली बेटर लगा। दूसरा कॉम्पिटिशन जो है A6100 से, तो A6100 भी बहुत अच्छा ऑप्शन है वीडियो के लिए भी और फोटोज़ के लिए भी। A61 में आपकी जो ऊपर की तरफ स्क्रीन फ्लिप करती है, इसमें नीचे की तरफ फ्लिप करती है। उसके अलावा फोटोज़ में तो A61 काफ़ी अच्छा है ही, लेकिन A6100 में जो आपको EVF है वो थोड़े लो रेजोल्यूशन का मिलता है और हल्का सा एक क्रॉप फैक्टर आ जाता है वीडियो में, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है, 1.2 टाइम्स का आपका क्रॉप फैक्टर उसमें मिलता है, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा नहीं है, आप उसको भी कंसिडर कर सकते हो। लेकिन अगर आप नाइकोन के फ़ैन हैं, आपको नाइकोन की इमेज क्वालिटी बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि पर्सनली मुझे लगता है कि जो इमेज क्वालिटी आपको इस नाइकोन Z50 से मिलेगी वो शायद आपको कैनन और सोनी से नहीं मिल पाएगी। तो मेनली अगर आपको फोटोग्राफी के लिए कैमरा चाहिए जो वीडियो भी अच्छी बना सके 4K में, तो मेरे हिसाब से आप Z50 की तरफ जा सकते हैं। लेकिन अगर आपका मेन काम वीडियोग्राफी का है तब शायद आपके लिए कैनन R50 एक बेटर ऑप्शन रहेगा। तो चॉइस आपकी है, आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप इनमें से कोई सा भी कैमरा चूज कर सकते हो। R50 भी अच्छा कैमरा है, A6100 भी अच्छा कैमरा है और नाइकोन Z50 भी अच्छा कैमरा है। आई होप गाइस आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इस कैमरे से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है यहाँ पे आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। इसका जो ट्यूटोरियल है ऑलरेडी मेरे चैनल पे आप चेकआउट कर सकते हैं।